हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आज मार्केट में आया था कुछ सामान खरीदने के लिए और कुछ सब्जियां खरीदने के लिए, लेकिन मुझे आज गाड़ी नहीं मिला है फिर से मेरे घर जाने के लिए। इसलिए मैं अभी रास्ता में हूँ और मैं पैदल पैदल चल के जा रहा हूँ मेरे घर के लिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो अभी आगानतो के लिए 33 किलोमीटर बाकी है। मैं बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा इधर के लिए कितना किलोमीटर बाकी है। जो हम लोग टाउन आता है ना, उस टाउन का नाम है जोनोबोटो। जोनोबोटो हम लोग जो हमारा मार्केट है ना, वो जोनोबोटो मार्केट है। तो मार्केट से मैं जोनोबोटो से अभी 2 किलोमीटर आया है, पैदल चल के 2 किलोमीटर आ गया है। देखो ये सामान है और ये सब्जियां है, ये कुछ खाने का चीज़ है और इसमें कपड़ा भी है। और ये देखो ये इसमें आलू टमाटर मिर्ची और सब्जी और भी सब्जियां है। ये लेके मैं जा रहा हूँ, शायद मुझे आज गाड़ी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी मुझे पता नहीं। आप लोग देखते रहिए, अगर गाड़ी मिलेगा तो अच्छा है, अगर गाड़ी नहीं मिलेगा तो क्या करूँ, पैदल जाना पड़ेगा। बस मेरे साथ आप लोग एंड तक बनी रहिए, मैं दिखा दूंगा ये जोनोबोटो टाउन से हमारे घर तक कितना किलोमीटर है। शायद 13 या 14 किलोमीटर होगा ये जोनोबोटो टाउन से और हमारे घर तक। अगर गाड़ी नहीं मिलेगा तो मुझे 13 या 14 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। अगर गाड़ी मिलेगा तो अच्छा है, मैं आप लोगों को सब दिखा दूंगा कितना किलोमीटर है वो। शायद मुझे आज ऐसा लगता है कि गाड़ी नहीं मिलेगा। मैंने गाड़ी पूछा था लेकिन सब गाड़ी फुल हो गया था, आदमी फुल हो गया था, गाड़ी नहीं मिला था, इसलिए मुझे पैदल आना पड़ रहा है आज। और पूरा जंगल है, मैं आप लोगों को सब दिखा देता हूँ रास्ता। अभी मैं रास्ता में खड़ा हूँ, अकेला हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं रास्ता में हूँ अभी। तो अभी मैं सामान लेके जा रहा है, ये देखो ये भी है और मेरे ऊपर भी है। आप लोगों को मैं इधर से इधर का व्यू दिखा देता हूँ, कितना कैसा व्यू है। ये देखो ये जो नीचे देख रहा है ना, इधर भी खेत करता है, धान का खेत, मतलब चावल डालता है इधर भी। और ये देखो ये ऊपर में जो दिख रहा है ना, ये बिल्डिंग ये सब दिख रहा है ना, ये मरखेत। इतना दूर भी नहीं आया है लेकिन पार का रास्ता है ना, तो इसलिए थोड़ा दिखने में थोड़ा ही है लेकिन आने में बहुत दूर आना पड़ता है। इसलिए ये देखो ये ऊपर में ये टाउन, लेकिन बहुत घूम के आना पड़ता है ना, इसलिए बहुत दूर हो जाता है। ये देखो इधर का नज़ारा, इधर का व्यू कैसा है हमारा, इधर का पूरा जंगल है। पूरा जंगल ही जंगल है। अभी मुझे जाना है ये वाला रास्ता, इधर भी सब जंगल है। अभी मुझे जाना है ये रास्ता, अभी तक भी मुझे गाड़ी नहीं मिला है। मैं 5 किलोमीटर मार्केट से चल के आ गया है पैदल, अभी दिखा देता हूँ। ये देखो कोहिमा के लिए 150 किलोमीटर, अभी जोनोबोटो से मैं 5 किलोमीटर चल के आ गया है। और आगानतो के लिए 30 किलोमीटर। तो मैं इतना पैदल चल के आ गया है, अभी तक भी गाड़ी नहीं मिला है। और हमारे इधर अभी बारिश भी होने वाला है, अगर बारिश हो जाता है ना तो मेरा सामान सब खराब हो जाएगा। अगर बारिश नहीं होगा तो अच्छा है, लेकिन बारिश गिरने वाला है हमारे इधर। अगर बारिश गिर जाता है ना तो सब मेरा सामान खराब हो जाएगा और मुझे भी पैदल जाने में दिक्कत होगा। शायद अभी बारिश गिरेगा कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन बारिश गिरने वाला है। ये देखो इधर का, ये देखो पूरा ऊपर में बारिश गिरने वाला है। अगर बारिश गिरेगा तो तकलीफ हो जाएगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा। अभी फिर चलता है, क्या करूँ यार, अभी बारिश गिरने वाला है तो मुझे पता निकलना पड़ेगा। बस आप लोग मेरे साथ बनी रहिए और भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं 5 किलोमीटर तो आ चुका हूँ मार्केट से, मतलब जोनोबोटो से, और भी अभी 8 या 9 किलोमीटर जाना बाकी है। तो अभी
फिर चलना शुरू करना पड़ेगा। तो अभी मैं 6 किलोमीटर चल के पैदल आ चुका है, मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। ये देखो अगनत्तो के लिए अभी 29 किलोमीटर है और मैं 6 किलोमीटर चल के आया है। ये जोनोबोतो से 6 किलोमीटर आया है, मतलब मार्केट से मैं 6 किलोमीटर चल के आ चुका है पैदल। पैदल 6 किलोमीटर चल के आ चुका है। मैं अभी नागालैंड में है, नॉर्थ ईस्ट में है और जोनोबोतो और अगनत्तो के बीच में हूँ मैं अभी। मैं इधर में अभी थोड़ा रुकेगा क्योंकि मैं बहुत थक गया है, 6 किलोमीटर पैदल चल के आ गया है। अभी इधर थोड़ा रेस्ट करेगा, इसके बाद फिर से चालू हो जाएगा जाने का। तो बिंदास रेस्ट करेगा। ओ भाई मारो मुझे, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी, तेरी मेरी कहानी। अभी कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और मुझे वीडियो शूट करने वाला भी कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं थका हुआ हूँ और मैं पानी भी नहीं लाया है। तो अभी पानी भी पीने का मन कर रहा है लेकिन पानी नहीं है। पानी है इधर में जंगल में, लेकिन अच्छा है कि ख़राब है वो मुझे पता नहीं है। मैं अभी थोड़ा ऐसा लेटता हूँ, लेटने के बाद रेस्ट करने के बाद फिर चला जाता हूँ किसी की दिल में नजारा हुआ। अकेला हूँ क्या करूँ यार, कभी कभी इंजॉय करना पड़ता है। अभी अकेला हूँ, मैं दिखा देता हूँ, पानी तो है इधर लेकिन खराब है। ये देखो पानी है और इधर भी पानी है लेकिन अच्छा नहीं है, खराब है। ये इधर गाड़ी साफ करने के लिए, मतलब गाड़ी वॉश करने के लिए बना के रखा है, इधर आता है तो इधर आके लोग गाड़ी वॉशिंग करता है। और भी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये भी पानी ऐसा बना के रखा है, ये पीने वाला है या नहीं पीने वाला है मुझे पता नहीं। ये इधर में लोग आके कपड़ा धुलाता है, कपड़ा वॉशिंग करता है, तो मुझे पता नहीं है। तो मैं सामान उधर छोड़ के आ गया है, फिर से उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा, फिर से सामान लेके निकलना पड़ेगा। और भी 6 किलोमीटर आ चुका है, मतलब और कितना होगा, और 7 या 8 किलोमीटर और बाकी है, और भी उसको जाना पड़ेगा। तो अभी निकलना पड़ेगा हम लोगों को। तो अकेला हूँ मैं, तो क्या करूँ, कोई गम नहीं है, बस इंजॉय करो और इंजॉय करते रहो। बस मेरा वीडियो इंजॉय से देखते रहो आप लोग, मैं एंड तक आप लोगों को दिखा दूंगा। मैं गाड़ी में जाऊँगा या बाद में या फिर से मैं पैदल जाऊँगा, बस मेरे साथ बने रहिए। तो अभी फिर से चलना पड़ेगा। ये देखो मेरा सामान है, ये सामान उठा के फिर से मैं चलता हूँ पैदल। थारा भाई अंकुर इतना पैदल चल के आ चुका है कि किसी ने सोची ना होगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो मैं 8 किलोमीटर पैदल चल के आ चुका है। देखो अभी जोनोबोतो से मैं 8 किलोमीटर चल के आ चुका है और अगनत्तो के लिए 27 किलोमीटर बाकी है। तो मैं अभी बहुत थक गया हूँ, अभी मैं रुकता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करो। अगर आप लोग नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरा शक्ल आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप लोग चला जा सकता है, क्योंकि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो बार बार ऐसा शक्ल, मेरा शक्ल आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग लाइफ में जो भी अच्छा चीज नहीं है और जिसको भी पसंद नहीं है उसको बार बार देखकर क्या मतलब। तो आप लोगों को अगर मेरा शक्ल अच्छा नहीं लगता है, तो अगर मेरा शक्ल बुरा लगता है तो आप लोग मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब करके और डिसलाइक मार के जा सकता है, मुझे कोई परवाह नहीं।
लेकिन जो भी मेरा शक्ल देखना चाहता है वो सब्सक्राइब मारे और साथ में जो साइट में बेल आइकन है उसको दबाए ताकि बार बार मेरा शक्ल देख पाए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो अनसब्सक्राइब मार के सब चला जाओ। बस मजाक कर रहा हो यार, इतना सीरियस में मत लेना, अपना चौथा भाई समझकर आप लोग सब्सक्राइब कर देना यार मेरा चैनल को। तो अभी मुझे फिर से चलना पड़ेगा, अभी भी बहुत दूर है। तो मैं सामान इधर रखा हुआ है, ये सामान लेके अभी फिर से निकल पड़ेगा अपना मंजिल के लिए, अपना रास्ता के लिए। तो मैं लगभग 10 किलोमीटर आ चुका है पैदल चल के मार्केट से, जोनोपोतो मार्केट से। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अभी, ये देखो आगानोतो के लिए अभी 25 है और मैं 10 किलोमीटर चल के आ चुका है। ये देखो कोहिमा के लिए 150 किलोमीटर, जोनोपोतो से मैं 10 किलोमीटर आ चुका है चल के, वो भी पैदल पैदल आया है। और भी 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर बाकी है घर पहुंचने के लिए, अभी भी बहुत दूर है। और मैं बहुत थक गया हूँ, थारा भाई अंकुर बहुत थक गया है। ये देखो ये बैठने के लिए बना के रखा है, इधर देखो ये भी रास्ता है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने के लिए भी तकलीफ है, चलते चलते वीडियो बनाने के लिए भी तकलीफ है। ये देखो ये बैठने के लिए बना के रखा है, ये देखो। तो फिलहाल मैं पैदल आते आते पहुंच गया, अभी अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़ा अभी आधा किलोमीटर जैसा होगा। आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं मार्केट से जोनोपोतो से आते आते मेरा 13 किलोमीटर हो गया है, मैं 13 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देखो जोनोपोतो से मैं 13 किलोमीटर चल के आया हूँ, वो भी पैदल। और ये देखो आगानोतो के लिए 22 किलोमीटर बाकी है। तो अभी मेरा घर इतना दूर नहीं है, अभी सामने ही है, अभी शायद आधा किलोमीटर जैसा होगा, मेरा घर अभी नीचे ही है, इतना दूर नहीं है। मैं पहुंच गया फिलहाल, अभी पैदल आते आते 13 किलोमीटर में आ गया। जब भी मैं मार्केट जाऊंगा मैं थाराबाई अंकुर पैदल ही जाऊंगा, गाड़ी में नहीं जाऊंगा। अभी थाराबाई अंकुर पैदल चल सकता है 13 किलोमीटर आराम से, अभी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तो फिलहाल हमारा घर पहुंचने वाला है, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी थोड़ा सा ही दूर है, अभी पहुंच जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है ये बोरी में ये बैग में कितना सामान होगा, अगर आप लोग जानना चाहते हो मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँ क्या मैं कितना सामान लाया है। बस देखो अभी मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या सामान लाया है कितना भारी है और कितना किलो सामान है, ये सब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार अनबॉक्सिंग करके मैं दिखा देता हूँ, रुको रुको रुको। अभी आप लोगों के लिए मैं ये अनबॉक्सिंग करता हूँ, आप लोग देखो मैंने क्या क्या सब्जियाँ लाया है। ये देखो ये है कवर, इसका कवर, तो कवर को पहला साइड में रखता है, इसके अंदर चार्जर भी है, मैं आप लोगों को चार्जर भी दिखाता हूँ। ये देखो ये चौथा सा इसका चार्जर है, चार्जर को पहले अंदर में रख के इसको कवर को साइड में रख देता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी मैं कितना सामान लेके 13.5 किलोमीटर पैदल आया है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये 2 किलो आलू है, ये 2 किलो आलू है, ये मिलाकर 4 किलो आलू हुआ। आया ये एक गिर गया, किधर से गिर गया यार, इधर मैं डाल देता हूँ। अभी ये 1.4 किलो है, सब मिलाकर 8 किलो हुआ। इसके बाद टमाटो 1 किलो है, ये मिलाकर 9 किलो हुआ। उसके बाद ये 1 किलो प्याज है, इसको मिलाकर 10 किलो हुआ। और ये आधा किलो चिल्ली है, ये दोनों मिलाकर
एक किलो हुआ तो कितना किलो हुआ, 11 किलो हुआ। इसके बाद में ये सुअर का दाना है, सुअर का दाना 5 किलो है, ये सब मिलाकर 16 किलो हुआ है। और भी है इधर में खाने वाला चीज, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये बिस्किट है, ये बिस्किट मैंने ये सब मिलाकर आधा किलो होगा, तो ये आधा किलो है इधर। और ये कपड़ा है, ये कपड़ा भी आधा किलो होगा, तो सब मिलाकर मेरा हो गया 17.5 किलो। 17 किलो लेकर मैं 13.5 किलोमीटर पैदल आया है, तो अभी मैं बहुत थक गया है। थारा भाई अंकुर बहुत थक गया है। अभी मैं दिखा रही, तो ये सब मैंने लेके आया है, तो मेरा घर अभी पहुंचने वाला है, अभी पहुंच गया है। तो मैं अभी घर पहुंचने वाला है, इधर दिखा दूंगा। ओ साइड में करो यार थोड़ा। अभी मुझे पिकअप करने के लिए मेरा घर पहुंचने वाला है, इसलिए मुझे पिकअप करने के लिए घर से आया है। तो मेरा घर अभी पहुंच गया, मैं दिखा देता हूँ। वो वाला दिख रहा है ना हमारा घर, वही है हमारा घर। अभी थोड़ा सा ही दूर है, अभी उधर चला जाऊँगा, अभी जाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।